अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट HTML को कवर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रखा है यूट्यूब कोर्सेज के नाम से और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना रखा है HTML कोर्स के नाम से और इसके अंदर मेरे पास HTML की कंप्लीट आउटलाइन पड़ी है और इसी आउटलाइन को हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो भाई मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो भाई ये है हमारे HTML कोर्स की आउटलाइन जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट कवर करेंगे। तो भाई मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। एंड गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ है, व्हाट इज HTML, ये HTML है क्या। एंड इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले समझना है HTML की डेफिनेशन एंड इसके अलावा इसका यूज़ समझना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ChatGPT को। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ChatGPT क्या है तो ये एक AI टूल है जिसको आप लोग टेक्स्ट में डाटा दोगे और जो भी आप लोग डाटा दोगे इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी एंड वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिंक है ChatGPT.com इस पे जाना है एंड ये आपको बोलेगा कि साइन अप करो, अकाउंट बनाओ, आपने सिंपल अकाउंट बनाना है एंड देन आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है व्हाट इज HTML एंड इट्स यूजेस और यहाँ पे मैं नीचे एक नोट दे दूंगा इसको शॉर्ट एंड सिंपल एंड मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो ये मुझे HTML की डेफिनेशन और उसका यूजेज बता देगा। ओके गाइस, इसने हमें बताया है कि HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब। इट डिफाइन द लेआउट ऑफ अ वेब पेज यूजिंग अ सिस्टम ऑफ टैग्स एंड एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो HTML है ना वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मीन वो एक लैंग्वेज है लेकिन वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसको यूज किया जाता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसके अंदर यूज क्या होते हैं, इसके अंदर टैग्स और एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। अब ये टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप लोग जस्ट इतना समझो कि HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसको यूज किया जाता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसमें क्या चीजें यूज होती है, इसमें टैग्स और एलिमेंट्स का यूज किया जाता है वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए। एंड गाइस इसका यूजेज देख लेते हैं, तो इसका यूजेज है जी स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंड उसके अंदर जो लिंक्स होते हैं मीन डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। एम्बेडिंग मीडिया, जो वेब ब्राउजर होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, इन चीजों को एम्बेड करना, ये जो है HTML के थ्रू होता है। एंड उसके अलावा जो फॉर्म बनते हैं जो कि डाटा गेट करने के लिए यूज किया जाता है वो भी HTML के अंदर भी बनाए जाते हैं। तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को जो है HTML का मतलब समझ में आ गया होगा और साथ साथ उसके यूजेस भी समझ में आ गए होंगे कि वेबसाइट के अंदर HTML कहाँ कहाँ पे यूज हो रही होती है। अब जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ये ChatGPT पे और यहाँ पे मैंने एक डिवेल्पर नाम से, वेब डिवेल्पर नाम से एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है और इसके अंदर मैं CSS के अंदर आके अगर मैं यहाँ पे डिसेबल ऑल स्टाइलिंग करूँ तो देखो ये जो ChatGPT है, ये जो इतना खूबसूरत ChatGPT था वो देखो किस तरह से एक रफ से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये होती है HTML। HTML की मदद से जो आप वेबसाइट बनाते हो वो इतनी खूबसूरत नहीं होती है। उस HTML के अंदर आप लोग कर के आ रहे होते हैं, आप HTML के अंदर बेसिकली जो कंटेंट होता है, जो आपकी वेबसाइट को नीड होता है वो आप लोग HTML के थ्रू ब्राउजर के अंदर लेके आ रहे होते हो, मेन ब्राउजर में पुश कर रहे होते हो। तो गाइस यहाँ से जो है मैं इसको डिसेबल जो स्टाइलिंग है इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एंड हमारा जो है ChatGPT नॉर्मल हो गया है एंड देन हम लोग जाते हैं एग्जीक्यूशन एंड सेटअप पे। तो गाइस जो HTML है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे अपने ChatGPT ओपन करेंगे, ठीक है। इस ChatGPT के अंदर जो है हम लोग लिख देते हैं और राइट
HTML कोड, तो ये हमें जो है ना कुछ HTML का कोड लिख के देगा। तो भाई ये इसने जो है एक HTML का कोड लिखा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मुझे अब इसको रन करना है। तो मैं कैसे रन कर सकता हूँ, तो मैं जो है HTML को रन कर सकता हूँ ब्राउजर के थ्रू। मीन्स मुझे HTML को रन करने के लिए कोई भी सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी ब्राउजर अवेलेबल है। सो ब्राउजर की हेल्प से ही HTML रन होती है। सो कैसे रन होती है, मैं यहाँ पे जो है एक फाइल बना लेता हूँ ext वाली एंड उसका मैं नाम रख देता हूँ test.html। ओके, सो test.html रखने से देखो ये जो है इसके साथ आइकन आ गया है क्रोम का। मीन्स कि ये जो HTML की फाइल है ये अब कहाँ पे खुलेगी, ये खुलेगी क्रोम के अंदर। बट मैं फिलहाल के लिए इसको एडिट करने के लिए, इसके अंदर HTML का कोड डालने के लिए मैं इसको Notepad में ओपन करूँगा एंड देन इसको मैं किसी भी ब्राउजर पे ओपन करके उसको रिजल्ट को देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन विद करता हूँ फायरफॉक्स। अभी ये क्रोम का आइकन आ रहा है बट मैं फायरफॉक्स के थ्रू भी इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स भी था, तो ये देखो यहाँ पे जो है हमारा ये वर्क कर रहा है। वेलकम टू माई वेब पेज एंड दिस इज आ सिंपल HTML पेज एंड विजिट एग्जाम्पल। इस पे क्लिक होगा तो एक न्यू राउट पे जंप करेगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप लोगों को HTML को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट HTML का कोड लिखने के लिए आप लोगों ने VS Code को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब VS Code क्या है, VS Code एक सोर्स कोड एडिटर है। मीन इसके अंदर आप लोग जो है कोडिंग कर सकते हो बहुत ही फास्ट। तो गाइस आप लोगों ने सिंपली VS Code की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे, सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंपली आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद क्या करना है आप लोगों ने आ जाना है फोल्डर में और यहाँ पे जो है आप लोगों ने VS Code ओपन विद VS Code आप लोगों ने कर लेना है। तो इसी फोल्डर के अंदर जो VS Code है वो ओपन हो जाएगा। अगर तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है सिंपल सर्च कर सकते हो VS Code, ठीक है, और ये VS Code आप लोग ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद जो जिस फोल्डर में आपने VS Code को ओपन करना है उस फोल्डर को आपने ड्रैग करना है एंड VS Code में ला के यहाँ पे छोड़ देना है। तो जो VS Code है वो उस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखो अब ये मैंने HTML कोड वाला फोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप किया था तो वो जो है यहाँ पे आ चुका है, वो ओपन हो चुका है एंड इसके अंदर मैंने एक आउटलाइन पड़ी है, ठीक है, और उसके अलावा नीचे जो है test.html पड़ी है। ओके गाइस, इतना करने के बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, एक्सटेंशन के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखना है गो लाइव, ठीक है, बल्कि गो लाइव आपने लिखना है, आपने लिखना है लाइव सर्वर। तो ये जो है एक्सटेंशन आप लोगों के पास आ जाएगी, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि आपके पास यहाँ पे जो है गो लाइव का बटन आ जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे HTML की फाइल ओपन करोगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का एंड जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये जो कोड है ये रन हो जाएगा। जैसे कि ये देखो ये यहाँ पे हमारे ब्राउजर के अंदर ये चीज रन हो गई है। फायरफॉक्स को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ एंड ये जो है मेरा HTML रन कर गया है। अब मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देता हूँ एंड एम्प्टी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे वो चीज़ भी एम्प्टी हो गई है। अब ये जो हमारा पेज है ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। ओके गाइस, तो आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो VS Code हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किया है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। मैंने हम लोगों को बताया कि VS Code हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग फास्ट कोडिंग कर सकें, ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है नोट पैड में भी HTML को लिख सकते हो बट VS Code के अंदर आप लोग बहुत ही फास्ट वे में कोडिंग को कर सकते हो। अब कैसे, अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग VS Code को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर HTML की फाइल बनाओगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस करोगे और जैसे ही हिट एंटर करोगे तो देखो ये जो सारा का सारा कोड है ये यहाँ पे आ गया है 1 सेकेंड के अंदर। ओके गाइस, तो उसके अलावा क्या चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बनाना है हेडर, ठीक है, फिर मैंने बनाना है एक मेन एंड फिर मैंने बनाना है एक फुटर, ठीक है, एंड जैसे ही मैंने हिट एंटर किया तो ये देखो
इतने सारे टैग खुद खुद बन गए। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे अगर एडर के अंदर एक बनाना है मैंने नेम, एंड उसके अंदर बनाना है मैंने यू एल, ठीक है, एंड उसके अंदर मैंने बनाना है जी ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ एल आई, एंड एल आई मुझे चाहिए नेट्स फॉर द पाइप चाहिए, ठीक है। एंड जैसे मैं अब हिट एंटर करूँगा तो देखो एक नेव टैग बन गया, एंड उसके अलावा एक यू एल टैग बन गया, और उसके अंदर पांच एल आई टैग ये भी आ गए हैं। तो ये जो सजेशन हैं और ये जो ऑटो कंप्लीशन के जो फीचर्स हैं ये हमें वी एस कोड प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे वी एस कोड ताकि हम लोग जल्दी से चीज़ें सीख पाएँ। तो मैं इस सब चीज़ों को कर दूंगा क्लोज क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी आउटलाइन पे एंड देखते हैं कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है। सेटअप हम लोगों ने कर लिया है एंड उसके बाद जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट हम लोगों ने समझना है बेसिक एचटीएमएल टैग्स। देखो अभी के लिए ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी ये बिल्कुल ही क्लियर पेज है। अब इसके अंदर देखो चेंजेस आप लोग कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट का टाइटल चाहिए, तो इसके लिए आप लोग जो है HTML के अंदर यूज़ करते हो टाइटल नाम का टैग, ठीक है। ये टाइटल की ओपनिंग है एंड ये टाइटल की क्लोजिंग है। तो जो ये है ना, ये जो टैग है, ये जो ऊपर वाला जो टैग है जिसके अंदर स्लैश नहीं है वो होता है ओपनिंग टैग, और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर जो कंटेंट आएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता था वेबसाइट टाइटल एंड यहाँ पर लिख देता हूँ यासिर डेवलप पर, एंड यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखो यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट टाइटल और इसके अंदर यासिर डेवलपर, तो ये जो टाइटल है ये मैंने चेंज करना देख लिया है। सो गाइस ये जो होता है ये होता है ओपनिंग टैग, और ये होता है क्लोजिंग टैग, और ये होता है कंटेंट, और इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है एलिमेंट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि HTML के अंदर टैग क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। देखो जो टैग होते हैं ना वो कंटेंट के स्टार्ट में हो सकते हैं या फिर कंटेंट के एंड में हो सकते हैं, मीन्स जो छोटी और बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान में जो होते हैं मिला के जो इनसे बनते हैं, तो वो होता है टैग। एंड एलिमेंट वो होता है जिसमें एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और दरमियान का जो कंटेंट है, इन तीन चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है वो HTML का एक एलिमेंट होता है। सो ये टाइटल बेसिकली क्या है, HTML का एक एलिमेंट है। अब टाइटल हम लोगों ने लगा दिया, उसके अलावा वेबसाइट के अंदर और क्या चीज़ होती है, यहाँ पे वेबसाइट के टाइटल के साथ एक छोटा सा आइकन भी होता है, तो वो आइकन लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिंक लिखूँगा, लिंक एंड फेव आइकन। तो ये जो है ये जो हरीफ है HREF इसके अंदर आता है लिंक, तो मेरे पास अभी के लिए तो कोई भी फैब आइकन नहीं है, बट मैं यहाँ पे कोई भी फैब आइकन देख लेता हूँ एंड अपनी इमेज ही देख लेता हूँ यहाँ पे यासिर डेवलपर, एंड देखते हैं कि मेरी इमेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये अवेलेबल है यहाँ पे, इसको यहाँ से कर लेते हैं, इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो मैं अपनी इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पे देखो छोटा सा आइकन आ गया है। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये छोटा सा आइकन आ गया है जो कि पहले नहीं था। तो ये हम लोगों ने फेव आइकन यहाँ पे लगा लिया है। एंड अब देखो अब जो भी चीज़ मैं लिखूंगा उसके अलावा जो भी चीज़ हम लोग दिखते हैं वो होती है यहाँ पे बॉडी में शो, ठीक है। तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ यासिर डेवलपर, एंड नीचे जो है मैं लिख दूंगा पैराग्राफ नोडम एंजिन, एंड यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यासिर डेवलपर हेडिंग आ चुकी है एंड नीचे पैराग्राफ आ गया है। तो आई होप तो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बेसिक टैग आपने किस तरह से यूज करने हैं। अब देखो ये एक हेडिंग टैग है H1 जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर कंटेंट है, तो इस कंटेंट को मिला के ये क्या बनता है, पूरा का पूरा एक एलिमेंट टैग, मतलब एलिमेंट बन गया, ठीक है, HTML का एक एलिमेंट बन गया, ये हेडिंग एलिमेंट बन गया और नीचे ये जो है ये पैराग्राफ का एलिमेंट बन गया। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस पॉइंट की समझ में आई होगी, बेसिक जो टैग्स थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर।
देखो ये जो हम लोगों ने रैंडम टैग यूज किया ना, ये एक्चुअल में HTML का स्ट्रक्चर नहीं है। मीन अगर इस तरह से हम लोग कोड करेंगे तो ब्राउजर अच्छे से इस वेबसाइट को समझ नहीं सकेगा, ठीक है। तो अगर ब्राउजर इसको अच्छे से समझ नहीं सकेगा तो गूगल भी इसको अच्छे से समझ नहीं सकेगा जब ये किसी सर्वर पे होस्ट होगी। तो इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर लिखना होता है ताकि जो ब्राउजर है वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और जो गूगल है और जो गूगल की क्रॉलर ने वो भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉलो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। एंड उस स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले आती है जी डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप जो है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे मैं डॉक टाइप लिखता हूँ, तो ये देखो डॉक टाइप HTML। एंड यहाँ पे मैं HTML लिख दूंगा और इस HTML वाले टैग के अंदर जो है ना ये सारा कुछ डाल दूंगा। अब इसमें जो हेड वाली चीजें हैं, देखो ये जो ऊपर टाइटल और वेबसाइट का फेव आइकन, ये जो चीजें हैं ये हैं हेड, ये वेबसाइट का हेड है। तो यहाँ पे जो है हेड के टैग के अंदर मैं ये दो चीज़ें लिख दूंगा, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। एंड ये जो हेडिंग है और पैराग्राफ जो है ये किस में आ रहा है, ये बॉडी के अंदर आ रहा है। तो इसको मैं बॉडी के अंदर दे दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बॉडी। एंड इस बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है तो मैं यहाँ पे कट करूंगा और पैराग्राफ के अंदर। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, तो आप लोग बेहतर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ नीचे से थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं, एंड बाकी यहाँ पे स्पेसिंग एंड यहाँ पे स्पेसिंग एंड यहाँ पे भी दे देते हैं एंड यहाँ पे भी दे देते हैं। तो गाइस अब आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप हम लोगों ने इसलिए दी है ताकि ब्राउजर को पता चल सके कि ये जो फाइल रन हो रही है ये HTML की फाइल है। और जो नीचे HTML का जो टैग है ये बताता है कि यहाँ से इसके अंदर इस टैग के अंदर सारी की सारी HTML पड़ी है। अब जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर वेबसाइट की मेन इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो उसके अंदर अब ब्राउजर को पता है कि हेड के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, टाइटल तो होगा ही होगा एंड उसके अलावा फैब आइकन भी होगा ही होगा एंड बाकी CSS के लिंक भी इधर ही होंगे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। सो उसके अलावा जो बॉडी होती है उसके अंदर वेबसाइट का कंटेंट आ जाता है। सो बॉडी के अंदर कंटेंट आ गया, ठीक है, इस तरह से कंटेंट इन कैप्सुलेट हो गया। एंड नीचे आप लोग देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है बेसिकली ताकि जो ब्राउजर है वो अच्छे से इस वेबसाइट को, इस वेब पेज को अच्छे से समझ सके। अब देखो वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है, इसको मैं यहाँ से समझाऊँ। ये देखो ये जो यूट्यूब है ये एक वेबसाइट है और इसके अंदर जो एक सिंगल पेज है वो एक वेब पेज है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, सिर्फ वहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए। सो भाई ये जो सिंगल पेज होता है ब्राउजर के अंदर वो वेब पेज होता है और उन मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आउटलाइन में आगे बढ़ते हैं, वो है मेटा इन्फॉर्मेशन। अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो मैं ये सारा का सारा चीज़ जो है ना डिलीट कर देता हूँ, एक्सेप्ट दिस, इसके मैं इसको मैं कट कर देता हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दूंगा, सेमी कॉलन सॉरी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेटरी मार्क दूंगा एंड जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो देखो ये बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर मेटा टैग जो कि इंपोर्टेंट स्कीम को बता रहे हैं एंड उसके अलावा ये जो व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट जब फर्स्ट व्यू होगा तो जो इनिशियल स्केल है वो क्या होना चाहिए वेबसाइट का तो वो बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पे टाइटल तो है ही एंड टाइटल में मैंने जो वो टाइटल एंड लिंक जो दिया हुआ था वो यहाँ पे मैंने चिपका दिया है। सो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है हमारी HTML का। अब इसमें जो मेटा टैग है ये वेबसाइट की मेन इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे होते हैं। अब मेटा इन्फॉर्मेशन में एक तो वेबसाइट की इंपोर्टेंट थीम हो गई, इसका व्यू पोर्ट हो गया एंड उसके अलावा जो वेबसाइट का टाइटल है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके बाद जो चीज़ होती है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि वेबसाइट की बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पे आ जाएगी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, तो ये SEO में काफ़ी हेल्प करती है। एंड उसके अलावा यहाँ पे होते हैं जी कीवर्ड, ठीक है।
की वर्ड भी होता है, एंड यहाँ पे आप लोग कीवर्ड दे सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाइथन, आप यहाँ पे लिख सकते हो HTML, यहाँ पे लिख सकते हो PHP, यहाँ पे लिख सकते हो लाड़ावेल। ओके, तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड भी लिख सकते हो। तो ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप तो कि आप लोगों को मेटा टैग की समझ आ गई होगी कि मेटा टैग में हम लोग इम्पोर्टेंट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड मेटा के नेम के अंदर हम लोग दे सकते हैं कि जो कंटेंट है ये क्या है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट की, कीवर्ड्स हैं क्या चीज है, तो उस हिसाब से। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे VS Code के अंदर मेटा लिखोगे तो काफ़ी सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे कीवर्ड भी है एंड बाकी ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये दो मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिए हैं। तो गाइस अब हम लोग अपने यहाँ पे देख लेते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को बता दी कि मेटा टैग के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मीन वेबसाइट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड सिमेंटिक्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं, अब इसमें आ जाता है हेडिंग्स टैग और पैराग्राफ टैग एंड उसके बाद स्टाइलिंग टैग। तो ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हेडिंग टैग है वो किस तरह से हैं, वो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं एंड स्क्रोल डाउन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा एच डॉलर एंड यहाँ पे कंटेंट के अंदर दे दूंगा हेडिंग, हेडिंग डॉलर मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। एंड जैसे मैं हेड एंटर करता हूँ तो देखो हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 1, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। देखो अब हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर हेडिंग 2 उससे छोटी, फिर 3 उससे छोटी, फिर 4 उससे छोटी, फिर 5 एंड फिर 6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो गाइस ये जो है हेडिंग टैग्स हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को इनकी समझ आ गई। उसके बाद पैराग्राफ टैग होता है, उसमें हम लोग लिख देते हैं धारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैराग्राफ आ गया है एंड उसके अलावा यहाँ पे स्टाइलिंग। अब ये क्या है, ये यूज होते हैं कि इसी के अंदर ही, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डी टैग है ये किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉरम जो है इसको बी टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ पैराग्राफ पड़ा है और उसके अंदर जो नॉरम का वर्ड है उसको मैंने बी टैग के अंदर डाल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखो यहाँ पे देखो ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो नॉरम है ना वो बोल्ड हो चुका है, बट यहाँ पे आप लोग ये देखो कि ये जो इससे नॉरम से आगे जितना भी कंटेंट है वो न्यू लाइन पे नहीं आया है बल्कि वो उसी जगह पे ही है। तो ये ऐसा क्यों है? आई होप सो कि आप लोगों को इसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ये हेडिंग 1 है, ठीक है। अब ये हेडिंग 2 है, अब ये जो हेडिंग 2 है इसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, बट ये जो हेडिंग है हेडिंग 2 ये नीचे एलिमेंट पे नीचे न्यू लाइन पे शो हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो अगर मैं इस बी टैग को कन्वर्ट कर देता हूँ एच वन के अंदर एंड यहाँ पे सेव करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एच वन ओपनिंग टैग नहीं दिया। अब यहाँ पे जाते हैं एंड अब आप लोग देख सकते हो कि देखो नॉरम जो है ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया है एंड उसके आगे आने वाला जो एलिमेंट था वो नीचे खिसक गया है, ठीक है। बट अगर ये एक बी टैग होता है तो ये जो है नॉरम यहीं पे बोल्ड हो जाता है और उसका आगे वाले कंटेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे कंसेप्ट आता है इनलाइन टैग का और ब्लॉक टैग का, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ H3, ठीक है, ब्लॉक टैग 1 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे बोलता हूँ इनलाइन टैग 1 एंड 2, ओके। एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए मल्टी कर्सर बना लूँगा एंड इसको मैं बी में कन्वर्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा एंड यहाँ पे देखो जो ब्लॉक टैग थे, देखो ब्लॉक टैग 1 एंड ब्लॉक टैग 2, तो ब्लॉक टैग 1 जो है वो पहली लाइन पे आया और ब्लॉक टैग 2 जो है वो दूसरी लाइन पे आया। तो ऐसा इसलिए है जो ब्लॉक टैग होते हैं वो फुल वेट लेते हैं, उनकी जो उनके अंदर कंटेंट चाहे छोटा नहीं क्यों ना हो
देखिए उनकी जो वेट्स होती है वो 100% होती है, मेन इस कोने से लेके इस कोने तक। एंड ये 100% किसका होता है, ये लाजमी नहीं है कि 100% जो है पूरी वेबसाइट में जो इसकी चौड़ाई है उतना ही ले, ये लेता है अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो पेरेंट एलिमेंट अभी के लिए ये बॉडी है, और बॉडी की जितनी भी वेट है उतनी ये कंप्लीट वेट लेता है। एंड नेक्स्ट जो कंटेंट है वो नीचे आता है, जबकि इनलाइन टैग जो होते हैं, अब देखो ये इनलाइन टैग वन एंड इनलाइन टैग टू। तो ये जो इनलाइन टैग वन है ये जहाँ पे खत्म हुआ है, उसके बाद इनलाइन टैग टू जो है वो यहाँ पे खिसक के आ गया है। तो ऐसा इसलिए है, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो जस्ट उतनी जगह लेते हैं जितना उनकी कंटेंट की विड्थ होती है, वो फुल विड्थ नहीं लेते हैं। तो जो टैग वन था, इनलाइन टैग वन, उसने सिर्फ यहाँ तक अपनी स्पेस कंज्यूम की। तो जैसे ही दूसरा एलिमेंट आया तो उसकी जो वेट थी वो सिर्फ इतनी थी। तो इस एलिमेंट के बाद ये सारी की सारी स्पेस अवेलेबल थी, जिसकी वजह से इस स्पेस में ये इनलाइन टैग आ गए जिसकी वेट इतनी थी। तो आई होप सो कि आपको वो थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि जो ब्लॉक टैग होते हैं वो फुल वेट लेते हैं, और जो इनलाइन टैग होते हैं वो फुल वेट नहीं लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल कर्सर जनरेट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कॉलर, एंड मैं रख देता हूँ और रेड। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखो ये जो ब्लॉक टैग वन है ये कितनी वेट ले रहा है, ये कंप्लीट वेट ले रहा है, एंड दूसरा भी कंप्लीट वेट ले रहा है। लेकिन जो इनलाइन टैग वन है वो अपनी कंटेंट के हिसाब से स्पेस ले रहा है, और इनलाइन टू अपने कंटेंट के हिसाब से स्पेस ले रहा है। तो दैट्स इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक टैग एंड इनलाइन टैग। तो हम लोग इसको यहाँ से बैक या फिर यहाँ पे जो है ना ग्रीन कर लेते हैं, और यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है। ओके तो यहाँ पे ये जो बी टैग है ये बेसिकली बोल्ड टैग है, एंड उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी बोल्ड करता है, आई भी अटैलिक करता है, और ये थोड़ा सा इम्प्रिसाइज कर देता है, एंड ये अंडरलाइन करता है, एंड ये मार्क करता है। एंड यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि नॉरम को अगर तो मैं करना चाहता हूँ अंडरलाइन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यू लिखा, एंड यहाँ पे जाते हैं, ये देखो ये नॉरम जो है यहाँ पे ये अंडरलाइन हो गया है। और उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये मार्क शो करे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये येलो मार्क हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मोस्टली यूज भी नहीं होते इनमें। जो बी टैग है ये मोस्टली यूज होता है, और ये जो इटैलिक टैग है ये मोस्टली यूज होता है। उसके बाद आ जाती है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले लिस्टिंग से पहले मैं आप लोगों को एक और टैग समझा देता हूँ, जो कि है बी आर टैग। अब बी आर टैग का क्या मतलब होता है, बी आर टैग जो है वो ब्रेक क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये जो पैराग्राफ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें मैं कहीं पे स्पेस लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना लाइन ब्रेक हो जाए। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखूंगा ये डॉट है, यहाँ पे मैं बी आर का टैग दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बी आर का टैग दे देता हूँ, एंड देन सेव करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेक लग चुका है, मीन नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। तो ये वन लाइन जो है ब्रेक है, एंड इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ, एंड बॉडी के यहाँ पे जो है ना मैं अगर बहुत सारे बी आर टैग चिपका दूँ, तो क्या होगा कि नीचे से स्पेस क्रिएट हो जाएगी। देखो गाइज ये अब जो है कंटेंट नीचे से कितना स्पेस ले रहा है। ओके गाइज, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं लिंक्स एंड एंकर टैग्स। लिंक्स टैग बेसिकली क्या होते हैं, ये मल्टीपल पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ये जो टेस्ट डॉट एच टी एम एल है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और ट्यूट वन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा ट्यूट टू डॉट एच टी एम एल। ओके, अब इन दोनों को मैंने लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ए लिखूंगा, एड इंटर करूंगा, तो ये एक एंकर टैग आ गया। इसके यहाँ पे एच आर ई एफ इसके अंदर मैंने वो लिंक देना है, मीन यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्यूट टू डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेक्स्ट ट्यूट
यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया है एरर। और एरर क्यों आया था यहाँ पे, हम लोग इसको एक बार क्लोज करते हैं, दोबारा से गो लाइव के बटन पर क्लिक करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो ट्यूब 2 जो है वो ओपन हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोग बैक का बटन भी बना सकते हो। यहाँ पे ट्यूब 2 के अंदर जाएंगे और ये जो वार्निंग आ रही है इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ एंड यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूब 2 एंड यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से डिवेलपर। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ए टैग लूँगा एंड इसमें ट्यूब 1.html और इसमें लिख लूँगा बैक। एंड यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो बैक आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पेज पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं ट्यूब 2 में आ गया हूँ। एंड अब हम लोग जाते हैं अपने आउटलाइन में और यहाँ पे आई थिंक मैं जंप कर गया हूँ, मैंने लिस्ट जो है आप लोगों को नहीं करवाई और मैंने आप लोगों को एंकर टैग समझा दिया है। अच्छा देखो ना, अभी मैं बैक पे जा रहा हूँ तो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल ओपन हो रहा है, मतलब यही पेज ही चेंज हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ना न्यू पेज ओपन हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो है बैक के बाद ही एक मैं सब्सक्राइब नाम से बटन बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो लिंक है वो मैं अपने YouTube का दे देता हूँ। तो ये जो मेरा YouTube चैनल है सॉरी, उसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसका लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं एंड हम लोग जाएंगे ट्यूब 2 में एंड यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखो सब्सक्राइब वाला बटन आ गया। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो देखो यही पेज जो हमारा HTML वाला था वो जंप करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गया। बट ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वाला पेज उड़ जाए, मतलब ये चेंज हो जाए या फिर रिप्लेस हो जाए। मैं यहाँ पे टारगेट लिखूँगा, टारगेट यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट होता है सेल्फ, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि न्यू टैब में ओपन करना है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा और उससे पहले ना यहाँ पे ये लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके तो ये बैक का बटन है जो कि पीछे जाने के लिए सब्सक्राइब का बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो न्यू टैब में, अभी देखो ये वेबसाइट मेरे पास इसी तरह ही ओपन है और ये न्यू टैब में मेरे पास यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एंड अब हम लोग आउटलाइन के अंदर जो हम लोग स्किप कर चुके हैं टॉपिक लिस्ट का, तो ये मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो ये हम लोग करेंगे ट्यूब 2 के अंदर। तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के नीचे यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर 2 टाइप ऑफ लिस्ट होती हैं। यहाँ पे एक होती है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ H3, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ लिस्ट एंड यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट। एंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर लाइन आइटम एंड लाइन आइटम मीन ऑर्डर लिस्ट का मतलब है 1, 2। अब ऑर्डर जो है यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अभी यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर इसकी टाइप्स हैं, टाइप कितनी है, 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। और अभी ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये भी ये क्या है, ये ऑर्डर लिस्ट है और कौन सी टाइप है उसकी, इंटीजर वाली टाइप है 1, 2। एंड यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसका ऑर्डर इसकी यहाँ पे टाइप दूंगा एंड टाइप में मैं इसको दे सकता हूँ, अभी के लिए 1 सिलेक्टेड है, मैं ए लिखूंगा तो ये ए सिलेक्टेड हो जाएगा एंड ABC ABCD इस तरह से बनेगी हमारी लिस्ट। एंड उसके अलावा मैं इसकी टाइप और भी रख सकता हूँ, जैसे कि रोमन जो होती है एंड वो रख सकता हूँ, देखो 1, 2 इस तरह से। ओके सो यहाँ पे आप लोग टाइप इसकी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा गाइस आप इसको जो है ना अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी ही कर देता हूँ नीचे एंड इसको यहाँ पे बना देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट एंड यहाँ पे सेव करते हैं। एंड जो टाइप है, टाइप मैंने कुछ भी नहीं लिया एंड यहाँ पे देखो ये इस तरह से अनऑर्डर लिस्ट होती है, मीन यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे होता है एक स्टाइल एंड इसके अंदर नहीं, स्टाइल तो एक एट्रीब्यूट है ना। सो जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर भी होता है एंड आउटलाइन के अंदर में भी मैंने मेंशन किया हो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप होगा, यहाँ पे टाइप नहीं है, यहाँ पे मैं टाइप लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, ठीक है।
एंड मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपी के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि भाई मुझे तो सर्कल चाहिए था ना, मैंने उसको बोला नहीं है बट ये खुद ही समझ जाता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ विदाउट सी एस एस। ओके, तो विदाउट सी एस एस ये बोल रहा है कि टाइप सर्कल, तो बट ये तो वर्ड तो आई थिंक नहीं करेगा। हाँ कर रहा है, ठीक है ठीक है, टाइप यहाँ पे सर्कल किया तो ये वर्ड कर रहा है। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर स्केयर करता हूँ सुकियर, तो ये देखो यहाँ पे सुकियर भी वर्क कर रहा है। तो डार्ट कर सकता हूँ, सर्कल कर सकता हूँ और सुकियर कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ तक मेरा काम बन गया है, मैंने आप लोगों को लिस्ट वगैरह समझा दी है। एंड यहाँ पे एक होती है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेस्टेड लिस्ट, और इसको मुझे लिखना है H1 के अंदर। तो इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट, एंड इसमें LI, एंड यहाँ पे लिखता हूँ वेब, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंड्रॉयड, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ के, एंड जो वेब है उसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं दे दूंगा फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक। यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये देखो ये है ऑर्डर लिस्ट, और इससे अंदर यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है अनऑर्डर लिस्ट जो कि होलो सर्कल के साथ है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई कि नेस्टेड लिस्ट किस तरह से आप लोग बना सकते हो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक और चीज भी बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स के हवाले से, कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने काफी सारी HTML लिख ली है एंड एट्रीब्यूट को हम लोगों ने यूज भी कर लिया है, बट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो एट्रीब्यूट्स जो ओपनिंग टैग होता है ना उसके अंदर डिफाइन होते हैं। अब देखो ये जो HREF, ये एंकर टैग के अंदर जो ओपनिंग टैग है ना, ये जो एंकर ओपनिंग टैग है इसके अंदर डिफाइन है। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है जो कि क्या बताता है, जो कि इससे रेलेवेंट डाटा जो है ना इसके अंदर अवेलेबल होता है। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टैग के अपने होते हैं, मीन उन्हीं के अंदर ही उनको यूज किया जा सकता है, वो किसी और टैग के अंदर वो चीज़ नहीं होती। जैसे कि देखो ये जो HREF पर जो टैग है ना, ये कुछ टैग्स के अंदर है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो बट आप ये हर टैग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जो हरीफ नाम का जो टैग है एट्रीब्यूट है, ये आप लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते लिस्ट के अंदर। एंड ये जो लिस्ट के अंदर टाइप नाम का जो एट्रीब्यूट है, ये आप लोग नहीं यूज कर सकते एंकर टैग के अंदर, क्योंकि ये दोनों टैग जो है, ये जो दोनों जो एट्रीब्यूट हैं, ये एक पर्टिकुलर सम पर्टिकुलर टैग के लिए बने हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टैग के लिए या फिर सम पर्टिकुलर टैग्स के लिए बने हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं बने। बट कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल होते हैं, मतलब हर एक में आप लोग यूज कर सकते हो। और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ID हो गया, ID एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे ID एट्रीब्यूट जो हो गया ये हो गया, बैक वाले बटन के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो एक हो गया ID एट्रीब्यूट, ये होता है ग्लोबल। उसके अलावा क्लास एट्रीब्यूट हर टैग के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो, एंड स्टाइल एट्रीब्यूट हर टैग के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। तो जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, क्लास एट्रीब्यूट क्लास ऐड करने के लिए, एंड ID एट्रीब्यूट ID बनाने के लिए यूज होता है। तो आई होप लोग आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग वो भी होगी एट्रीब्यूट के हवाले से। अब हम लोग नेक्स्ट आउटलाइन पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर ली है, अब हम लोग इमेजेस पे बात करते हैं। देखो जो इमेजेस हैं, अब हम लोगों ने अपने वेब पेज पे इमेजेस लेके आनी है, तो मैं जो है यहाँ पर भी बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेजेस, ठीक है, एंड कंट्रोल स्लैश प्रेस करते ही मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे सिंपली IMG टैग का यूज करना है, एंड इसके सोर्स के अंदर मैं वो लिंक दूंगा जहाँ पे इमेज पड़ी है, एंड उसके अलावा यहाँ पे अल्ट के अंदर मैं दे सकता हूँ वो कि अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो क्या डिस्प्ले हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ और नॉट फाउंड, यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे आते हैं ट्यूब टू, एंड यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ। देखो यहाँ पे एक इमेज आ रही है नॉट फाउंड, ठीक है, इमेज चूंकि मैंने लिंक नहीं की तो नॉट फाउंड ही आएगा, बट जैसे ही मैं कोई इमेज लिंक करता हूँ, जैसे कि यही इमेज यहाँ से कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सोर्स के अंदर वो इमेज का लिंक डाल देंगे, एंड ये जो इमेज है हमारी वेबसाइट पे लग जाएगी। सो भाई ये हमारी वेबसाइट पे
इमेज आ गई है। अब इसको हम लोग जो है विड्थ सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग विड्थ का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं कि 200 पिक्सल विड्थ रहनी चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हो पेज की 200 विड्थ हो गई है। एंड बाकी इसके अंदर आप लोग अगर CSS देना चाहते हो तो स्टाइल टैग का यूज करके आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि इसकी जो डिस्प्ले है वो कर दो जी ब्लॉक। एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ओके, तो डिस्प्ले इसका ब्लॉक है, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इमेज जो है पहले इनलाइन थी, अब ये ब्लॉक हो गई है। अब ब्लॉक होने की वजह से ये सब्सक्राइब कि राइट साइड पे नहीं आ रही बल्कि बिलो आ रही है, बीच से आ रही है, क्योंकि ये आप दे रही है फुल बे। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इमेजेस को किस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। एंड इस तरह वीडियो को इंटीग्रेट करना काफी इजी है। कोर्स लाइन के अंदर अब हम लोगों ने मल्टी मीडिया को देखना है, इसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो को एम्बेड करना देखना है, एंड इसके अंदर कंट्रोल्स एंड ऑटो प्ले एंड लूप क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंड वीडियो को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो, जो सोर्स है वो यहाँ पे आप लोग किसी भी यूट्यूब की वीडियो का आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग जो है इनको आई फ्रेम कर सकते हो, बट आप लोग इनको वैसे यूज नहीं कर सकते। एंड अभी मैं आप लोगों को कोई भी वीडियो डाउनलोड करके एंड देन मैं उसको चूज करके दिखाता हूँ, बट डाउनलोड नहीं करते, मैं जाता हूँ अपनी डी ड्राइव के अंदर एंड यहाँ पे मेरे पास वीडियो अवेलेबल रहेगी। एंड ये मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा एंड अपने यूट्यूब कोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा, HTML वाले कोर्स के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इस फाइल को। एंड अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वीडियो टैग का यूज करूंगा एंड इसके अंदर सोर्स दे दूंगा H1.mp4। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे जाना है मुझे, अपने ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो जो है वो आ चुकी है। इसी वेट्स भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेट लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल एंड यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पे देखो ये भी 200 पिक्सल यहाँ पे आ गई है, बट ये गाइस अभी चल नहीं रही। तो ये चलेगी कैसे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 400 पिक्सल कर लेते हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल लिखूंगा, ठीक है, एंड मैं सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे इस वीडियो के साथ कंट्रोल्स आ गए हैं। पहले ये प्ले का ऑप्शन नहीं था, अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा घटा सकता हूँ एंड इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल मेरे पास आ गए। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटो प्ले करना चाहता हूँ, कंट्रोल नहीं ज़्यादा जस्ट ऑटो प्ले हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको ऑटो प्ले भी कर सकता हूँ। अब देखो ये जो वेबसाइट है, ये जो कंट्रोल यहाँ पे लिखते हैं एंड देन ऑटो प्ले एंड सेव करते हैं, तो भाई ये देखो ये वेबसाइट चली भी है, ये वीडियो चली भी है और ऑटो प्ले भी हो गई है, खुद ब खुद प्ले हो गई है। एंड अगर मैं इसको लूप में चलाना चाहूँ तो ये लूप में फिर चलती ही चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर जस्ट कंट्रोल तक ही रखूँगा, बाकी चीज़ों की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीडिया टैग एंड इमेजेस हो गई, वीडियो हो गई एंड देन हम लोग ऑडियो को देख लेते हैं। अब ऑडियो है, ऑडियो में मैं क्या चीज़ लगाऊंगा, तो ऑडियो में मेरे पास जो है डाउनलोड के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑडियो पड़ी है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ऑडियो। एंड यहाँ पे इसको कट करते हैं एंड बल्कि यहाँ से बैक जाते हैं, आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, हमें डेस्कटॉप पे ही जाना पड़ेगा, यूट्यूब कोर्सेज के अंदर जाना पड़ेगा, HTML कोर्स के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा एंड देन हम लोग जो है यहाँ पे लिंक कर पाएंगे ऑडियो को। एंड ये जो ऑडियो है ये भी यहाँ पे आ जाएगी, बट यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगी जब तक हम लोग इसके साथ कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे। तो कंट्रोल्स जैसे ही मैं लगाऊंगा तो जो ऑडियो है वो अपीयर हो जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको प्ले कर सकता हूँ, उसके अलावा इसके साथ भी मैं ऑटो प्ले का
और ग्लू का जो एट्रीब्यूट है वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो भाई आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह से ऑडियो को लिंक करना है। ये इस तरह से आप लोग ऑडियो को लिंक कर सकते हो। बाकी जो डिजाइनिंग का काम है वो हम लोग CSS के अंदर करते हैं। अभी के लिए जस्ट आप लोग ये टैग यूज करो एंड इसको अंडरस्टैंड करो, दैट्स इट। उसके बाद बाकी का जो काम है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो उसके अलावा मैं आप लोगों को ये YouTube की वीडियो किस तरह से एम्बेड करते हैं, मैं यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से एम्बेड के बटन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ये जो आई फ्रेम है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं सेव करूँगा एंड अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरी YouTube की वीडियो है ये मेरी वेबसाइट के अंदर लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है एम्बेड कर सकते हो अपनी किसी भी YouTube की वीडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर। और वो कैसे करोगे, वो आप लोग आई फ्रेम करके करोगे। आई फ्रेम वाला टैग होता है एंड उसके अंदर एंड ये टैग जो है यहाँ पे आप VS Code के अंदर ही अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे आई फ्रेम तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे लिंक देना है, ठीक है। तो देखते हैं अगर मैं यहाँ पे जस्ट इस वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो क्या दूसरी वेबसाइट भी आ जाएगी। और ठीक है, देखो ये जस्ट ये जो मैंने न्यू आई फ्रेम लिखा है उसके बाद सोर्स के अंदर मैंने वो सोर्स दे दिया जहाँ पे वो सोर्स पड़ा है जिसको मैंने एम्बेड करना है। तो जस्ट वो लिंक देने से ही मेरा ये वेबसाइट के अंदर ये पे अगर आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि आई फ्रेम टैग क्या होता है, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस HTML कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारा नेक्स्ट जो है वो है फॉन्ट एंड फॉन्ट के अंदर आप लोगों को फॉन्ट की बेसिक का पता हो, ठीक है। फॉन्ट टैग क्या होता है, उसके अंदर एक्शन एंड मेथड का जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है एंड उसके अलावा जो इनपुट है इनपुट टैग का पता हो, टेक्स्ट एरिया का पता हो, बटन का पता हो एंड लेबल एंड फील्ड सेट का पता हो एंड उसके अंदर लेजेंड का पता हो। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक और लिंक बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग इस लिंक को यहाँ से कर लेंगे नीचे कॉपी एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट और यहाँ पे कर देते हैं 2-3 एंड 2-3 बनी हुई नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बॉयलर प्लेट दे देंगे। यहाँ पे लिखूंगा 2-3 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ यसे डेवलपर और यहाँ पे मुझे बैक पे जाना है तो मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ एंड उसमें लिख देता हूँ बैक एंड बैक कहाँ पे जाना है 2-2 के अंदर जाना है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे 2-3 में पहुँच गया हूँ एंड 2-3 के अंदर मैंने बेसिकली करना क्या है, मैंने आप लोगों को समझाने हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने फॉन्ट टैग यूज करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्शन है वो है इसके अंदर आप लोग बैकएंड की फाइल दोगे जहाँ पे इस फॉन्ट का डेटा भेजना है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एक फाइल बनाई backend.html, ठीक है। अभी तो ये HTML की फाइल है लेकिन ये बैकएंड की लड़कों फाइल होती है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकएंड HTML को भेजना है और कैसे भेजना है मेथड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ गेट का, ठीक है। गेट मेथड के थ्रू आपने भेजना है डाटा। अब ये गेट मेथड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी के लिए आप लोग ये देखो फॉर्म टैग हो गया एंड यहाँ पे मैं इनपुट एंड इनपुट की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक है टेक्स्ट जो कि आप लोग यूज़ करोगे जिसमें आप लोग क्या चीज़ गेट करोगे। अब इसका नाम होता है, आईडी होती है, अभी के लिए आप लोग इसको रहने दो एंड यहाँ पे आप लोग इसको दे सकते हो प्लेस होल्डर और इसमें आप लोग दे सकते हो इंटर व्यूअर नेम। एंड गाइस मुझे यहाँ पे एक और चीज़ माइंड में आ रही है कि हम लोगों ने टेबल्स को किए तो टेबल फॉर्म के बाद हम लोग देखेंगे एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है इंटर व्यूअर नेम तो ये एक इनपुट आ गई एंड दूसरा जो मोस्टली यूज होता है वो है जी ईमेल, ठीक है, इंटर व्यूअर ईमेल। एंड उसके अलावा जो मोस्टली यूज होता है वो होता है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। एंड यहाँ पे आप लोग लिख दो पासवर्ड एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इनपुट्स मानी गई है इंटरव्यूअर नेम, ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल देनी है तो फॉर्म सबमिट होते वक्त यहाँ पे इशू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईमेल होनी चाहिए वैलिड और यहाँ पे पासवर्ड होगा एंड पासवर्ड जो भी आप लोग टाइप करोगे वो
डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है पासवर्ड डेटा टाइप की, पासवर्ड टाइप की खसूसियत, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं रेप्लिकेट। और उसके अलावा यहाँ पे और कौन सी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे डेट काफ़ी यूज होती है, डेट। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो यहाँ पे डेट्स आ गया है, और यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं डेट को। ओके गाइस, तो ये इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद मैं बीआर दे दूंगा। एंड देन यहाँ पे जो है एक होता है टेक्स्ट एरिया, एंड टेक्स्ट एरिया बेसिकली टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया, तो आप लोग छोटा बड़ा कर सकती हो। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया हो गया। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्लेस होल्डर लिखना है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो प्लेस होल्डर राइट मैसेज हियर। एंड यहाँ पे आप लोग एक और एट्रीब्यूट होता है रोल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। एंड कॉल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। एंड यहाँ पे मैं अगर सेव करूँ तो ये देखो ये 10 कॉल उसने लिए हैं। एंड मैं अगर इनकी कॉल बढ़ा दूँ मतलब 100 कर दूँ तो यहाँ पे ये 100 ले रहा है। तो मैं इसको 100 के बजाय 80 कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ। सो आई थिंक दैट्स गुड। और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 84 कर देते हैं। एंड अब जो है ये ठीक है। सो भाई, इस तरह से आप लोग जो है टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और बी आर लगा देते हैं एंड यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। एंड यही जो बी आर है यहाँ पे ऊपर भी लगा देते हैं ताकि बैक के नीचे से जो है तो इसी स्पेस हमें मिल जाए। तो एक और बी आर लगाते हैं, देन भी स्पेस मिल पाएगी। तो अब जो है यहाँ पे स्पेस आ रही है। ये इनपुट्स यूज होती हैं। एंड उसके अलावा रेडियो जो बटन होते हैं, देखो जो रेडियो बटन होते हैं ना, रेडियो बटन, यहाँ पे मैं इनपुट लिखूंगा एंड देन रेडियो भी लिखूंगा। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फील्ड सेट के बारे में। जब आप लोग फील्ड सेट लिखोगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, बस एक बॉर्डर बन जाएगा जो कि फुल विड्थ ले रहा होगा। एंड इसके अंदर आप लोग अगर लेजेंड लिखोगे ना, लेजेंड, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, तो इस लाइन के जो टॉप पे ना यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। ओके, एंड देन इसके अंदर आप लोग इनपुट रेडियो, एंड यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हो जेंडर। एंड यहाँ पे सेम ही आप लोग नीचे कर लो, ठीक है, दोनों ही रेडियो सेम ही है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, एंड देन नीचे आ जाएगा फीमेल। एंड यहाँ पे हम लोग ये दे देते हैं, तो आई होप कि ये वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया है मेल एंड ये आ गया है फीमेल। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ का उड़ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही चेक कर सकते हैं। तो ये होता है इनके नाम सेम होने की वजह से। अगर मैं नाम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कर दूंगा तो देन ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, दोनों पे क्लिक हो रहा है। तो जो नाम है वो सेम होना चाहिए तभी वर्क करेगा। एंड यहाँ पे वैल्यू आप लोग डिफरेंट दे सकते हो। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा एंड ऊपर वाले में लिख दूंगा मेल, एंड जीरो वाले में लिख दूंगा सी मेल। ओके, एंड नाम इस पे जेंडर है। एंड इस तरह जो टेक्स्ट एरिया है इस पे नाम दे देते हैं मैसेज, एंड बाकी इसमें नाम दे देता हूँ डेट। एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं पासवर्ड, ठीक है। पास ये मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म सबमिट करना है backend.html के अंदर। तो ये हो गया नाम के अंदर ईमेल, एंड यहाँ पे नाम के अंदर नाम। ओके, तो ये मैंने फॉर्म बना लिया है। उसके बाद चेक बॉक्सेस का तो आप लोगों को पता ही है, ये मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिग रीड, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा चेक बॉक्सेस, ठीक है, चेक बॉक्स। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा नाम है डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री। एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो PS, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ ब्रेक। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ टेंटर, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ BS। एंड यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ PS और BS कहता हूँ मैट्रिक। एंड यहाँ पे इंटर, एंड यहाँ पे BS सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस हैं, यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सिंग को मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने चेक की हैं ये एक ही वेरिएबल के अंदर जाएंगी। तो ये चीज़ हो गई। एंड उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, और तो आई थिंक कुछ भी नहीं रहता। एक बार देख लेते हैं आउटलाइन के अंदर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये टाइप तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट थी करा दी। बटन, अब जो बटन है वो सबमिट वाला
अगर मुझे बनाना है तो एक होता है सबमिट वाला बटन, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट एंड यहाँ पे लिखूंगा सबमिट, तो वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा सबमिट ठीक है, और नेम इसका दे दूंगा सबमिट। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, ये हो जाएगा रीसेट, इसका नाम कुछ भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे वैल्यू मैं लिख दूंगा रीसेट, एंड यहाँ पे लिख देंगे रीसेट, यहाँ पे सेव करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये दो बटन आ चुके हैं सबमिट एंड रीसेट। अब देखो मैं ये मैंने सारा डाटा फिल किया, फिल करने के बाद अगर मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारा क्लीन हो जाएगा। एंड देन अगर मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो डाटा है ये सबमिट हो जाएगा बैक एंड डाटा HTML पर। तो बैक एंड और HTML के अंदर तो कुछ भी नहीं था, एंड इसके अंदर डाटा गया किस फॉर्म में है, इसके अंदर डाटा गया है URL के अंदर। देखो नाम के अंदर ये नाम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, एंड देन इस तरह से पासवर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा URL है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा किया है। तो इसी तरह से ये मेथड जो है ना गेट मेथड, ये करता है URL में डाटा पास करो। एंड अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा तो ये डाटा विजिबल नहीं होगा, ये भी डाटा सेंड होगा लेकिन ये विजिबल नहीं होगा, ये URL के अंदर शो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखो इस पेज पे मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन इस पेज पे अब ये जो है ना पोस्ट मेथड से चमक गया है तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक HTML की फाइल है, ये बैक एंड की फाइल है, एक्चुअल में नहीं है। तो एक्चुअल में अगर ये बैक एंड की फाइल होती तो ये वर्क करता। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो फॉर्म वाला यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, इसके अंदर जो लेबल वाला टैग है ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग लेबल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर नेम, एंड इसकी जगह पे आप कोई और टैग भी यूज कर सकते हो। बट ये जो लेबल है ये एक इनलाइन टैग है ठीक है, ये एक इनलाइन टैग है, इसके अंदर आप लोग जो है लेबल दे सकते हो, ये SEO फ्रेंडली है ना, तो इसलिए जो है फॉर्म के अंदर अगर आपने किसी इनपुट से रिलेटेड कुछ डाटा मतलब मेंशन करवाना हो कि ये जो इनपुट है इसके अंदर आपने कौन सा डाटा फिल करना है, तो वो चीज़ आपने लेबल के अंदर मेंशन करनी है ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्राउजर और गूगल जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एंड देन जो है हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं मजीद नेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूट फोन, एंड यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे मैं बोल दूँगा ट्यूट फोन, और यहाँ पे बोल देंगे हम लोग जासिद टी वैल्यू पर। एंड देन यहाँ पे जो है मैं ट्यूट सही दे देता हूँ, ये हो जाएगा टैग। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं ट्यूट फोर पे पहुँच गया हूँ। एंड अब हम लोग अपनी आउटलाइन ओपन कर लेते हैं, उससे पहले ये जो दो टैब हैं इनको तो मैं क्लोज कर लेता हूँ। एंड अब मुझे आप लोगों को समझाना है टेबल्स के हवाले से, टेबल्स क्या होते हैं। तो गाइस टेबल जो है आप लोग यहाँ पे टेबल लिखते हो, टेबल के अंदर होती हैं रोज ठीक है, एंड जो रोज होती है उसके अंदर होते हैं कॉलम। अब जो कॉलम होता है, जो पहली रो होती है उसका कॉलम हम लोग मोस्टली रखते हैं TH, एंड इसके अंदर आ जाता है कॉलम वन ठीक है, एंड इस तरह कॉलम टू कॉलम थ्री। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से टेबल बना है। तो ये आपके पास तीन कॉलम हो गए, पहली रो एंड उसके अंदर कॉलम डिफाइंड, दूसरी रो एंड उसके अंदर ये कॉलम हो गए ठीक है, ये दूसरी रो हो गई। अब ये जो रो है, इस जो दूसरी रो होती है मोस्टली इसके अंदर हम लोग TD का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो है ना फोल्ड नहीं होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने यही याद रखना है कि टेबल होता है, टेबल टैग उसके अंदर रोज बनती हैं एंड रोज के अंदर कॉलम होते हैं ठीक है, पहले टेबल फिर रोज के अंदर कॉलम। अब जो पहली रो के अंदर जो कॉलम होंगे ना ये वो टोटल टेबल के कॉलम होंगे, तो नीचे वाले जो है ना वो अपने वाले उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जो पहली रो है उसके अंदर तीन कॉलम है, तो नीचे वाली रो के अंदर तीन से ज़्यादा कॉलम ना हो इस बात का आपने याद रखना है, कम हो सकते हैं ओके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं बढ़ा देता हूँ कॉल फोर एंड कॉल फाइव, एंड यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरफ से ये बन गया है। तो गाइस मैं आप लोगों को जो है एक एट्रीब्यूट बताता हूँ टेबल का, वो है बॉर्डर, एंड इसके अंदर आप लोगों ने वन देना होता है एंड जिसका मतलब होता है ट्रू। एंड यहाँ पे देखो ये बॉर्डर बन गया है, एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं बी आर
मल्टीप्लाई टू, जिससे क्या होगा दो बियर आ जाएंगे एंड इससे यहाँ पे ये ब्रेक लग चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहली जो रो है उसके अंदर मैंने 5 कॉलम बनाया और फिर दूसरी रो है उसके अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट होता है जोड़ने का, कॉलम को जोड़ने का। देखो अब ये जो कॉलम है ना कॉल 3, इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ कॉल 5 के साथ, ठीक है। एंड मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये कॉल 3 है ना, ये आए कॉल 14 और कॉल 4 के नीचे और कॉल 5 के नीचे, मतलब दो कॉलम की जगह लेके इन दोनों के नीचे आ जाए। और जो ये कॉल 2 है ये आ जाए कॉल 3 के नीचे, और जो कॉल 1 है वो पहले दो कॉलम की जगह ले ले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो पहला है ना इसका आप लोग करो कॉल स्पैन एंड 2 का कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि पहले वाला जो है वो दो कॉलम की जगह ले लेगा, ठीक है। एंड यही काम हम लोग करेंगे सेम टू सेम थर्ड कॉलम के लिए, तो ये वाला जो है यहाँ पे ये काम करेगा। भाई दोस्तों के आप लोगों को यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो भाई इस तरह जो है आप लोग यहाँ पे मल्टीपल लाइन इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग बना सकते हो एक मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि आइटम नेम, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ द प्राइस, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्वांटिटी, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टोटल, ओके। एंड देन जो है मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1, नेम है जी बैग, ठीक है, प्राइस है जी 200 एंड क्वांटिटी है जी 2 एंड टोटल प्राइस इसकी होगी 400। एंड इसी तरह जो है मैं यहाँ पे वो डुप्लीकेट करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास टेबल बन चुका है। एंड इस टेबल को जो है आप लोग इसकी फुल वेट देख सकते हो, वेट का एट्रीब्यूट आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे वेट। एंड यहाँ पे आप लोग 100% से क्या होगा कि ये भी एक ब्लो मतलब 100% वेट ले लेगा, तो ये पूरी स्क्रीन यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 1 है ये 1 है, इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये 3, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर योर पेमेंट। तो लेट्स से मैंने ये लिखा एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जी 2400, ठीक है। तो ये जो है ना एक बिल का जो स्ट्रक्चर है रफ स्ट्रक्चर वो हम लोगों ने यहाँ पे रेडी कर लिया है एंड इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम लोग रो स्पैन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो 400 है ये सारे कॉलम्स में आ रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे इसको मैं उड़ा दूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ओके। जो फर्स्ट वाला है वो तो रहेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ रो स्पैन, ठीक है, रो वाइज जोड़ना है। अभी देखो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 400 है वो एक ही रो के अंदर है, मैं चाहता हूँ ये जो है ये जो 400 है ये तीनों रो की जगह ले ले। तो वो कैसे लेगा, वो रो स्पैन से लेगा एंड रो स्पैन में मैं लिख दूंगा कि ये कितनी जगह लेगा, ये 3 कॉलम की जगह लेगा, 3 रोज की जगह लेगा बेसिकली। तो पहली रो की तो वो ले ही रहा था, फिर इसने दूसरी और तीसरी की भी ले ली। तो इस तरह से जो है आप लोग रो स्पैन का और कॉल स्पैन का आप लोग यूज कर सकते हो। एंड बाकी मैंने आप लोगों को टेबल का स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है कि सबसे पहले आता है टेबल एंड टेबल के बाद आती है रोज एंड रोज के अंदर आते हैं कॉलम, ठीक है। और पहला जो रो आपने बनानी है उसके अंदर आपने कॉलम सारे के सारे डिफाइन कर देने हैं एंड देन उसके बाद जो आप रोज बनाओगे उसके जो कॉलम्स होंगे वो पहली रो से कम होंगे या फिर बराबर होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे हो सकते हैं कोई एरर तो नहीं आएगा बट होते नहीं हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया, अब हम लोग चलते हैं आउटलाइन पे और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, बॉर्डर भी समझा दिया, रोज स्पैन फॉल स्पैन भी आप लोगों को करवा दिया है। एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज मिस करवा दी है, टी एड टी बॉडी एंड टी फ्रूट। अब देखो जो टेबल होता है ना इसको भी हम लोगों ने SEO फ्रेंडली बनाना होता है, तो जो पहली रो होती है वो होता है टेबल का हेड, तो उसको हम लोग टेबल के टी हेड वाले टैग के अंदर हम लोग इसको डालते होते हैं एंड जो बॉडी होता है उसको हम लोग टी बॉडी के
टेबल की जो बॉडी होती है उसको हम लोग डीप बॉडी वाली टैग के अंदर डालते हैं, इससे टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन टैग से। एंड उसके अलावा जो लास्ट में जो होता है उसको हम लोग डीप फूट वाले टैग के अंदर डालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड जो हमारे पास होती है टी फूड, उसमें भी हम लोग टी डी का यूज नहीं करते बल्कि टी एच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो आई होप लोग आप लोगों को यहाँ तक चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। एंड अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है जी आउटलाइन के अंदर जाते हैं यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए उसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ HTML entities, ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पे जो है एक न्यू हम लोग बटन बनाएंगे एंड इसमें हम लोग ट्यूब फोर कर देंगे एंड इसको हम लोग क्रिएट भी कर लेंगे। ओके, ट्यूब फोर तो हमने बनाई हुई है, ट्यूब फाइव कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट भी कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग बोल देंगे इसको ट्यूब फाइव या सिर्फ पर। एंड यहाँ पे एक एंकर टैग दे देते हैं जिसमें मैं लिखूंगा बैक, और बैक कहाँ पे जाना है जी, बैक में जाना है ट्यूट फोर के अंदर। एंड यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने वेबसाइट में, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपने ट्यूट फाइव में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, अब हम लोगों ने ब्राउजर को बताना होता है कि बेसिकली हमारे जो वेबसाइट है उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मीन्स अगर जो गूगल आता है हमारी वेबसाइट पे और उसने उसके पास ऐसा डेटा है जो उसे लगता है कि आपकी वेबसाइट के हेडर के अंदर हो सकता है, आपकी वेबसाइट के फुटर के अंदर हो सकता है, आपकी वेबसाइट के बॉडी के अंदर हो सकता है, आपकी वेबसाइट के साइड बार के अंदर हो सकता है, आपकी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमें अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाना होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिमेंटिक टैग्स को। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनमें जो टैग्स हैं कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक ब्लॉक टैग होते हैं एंड कुछ इनलाइन होते हैं। अब इनमें ये जो जितने भी है ना टैग, ये सारे के सारे ब्लॉक टैग हैं और ये जो टैग है ये भी एक ब्लॉक टैग है, लेकिन ये जो स्पैन टैग है ये एक इनलाइन टैग है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यूज किस तरह से बेसिकली होता है। सबसे पहले यूज होता है हेडर, जो कि हमारी वेबसाइट का टॉप पे जो भी कंटेंट आ रहा होता है जिसके अंदर नेव बार वगैरह होती है तो वो चीज़ आ जाती है। एंड कुछ जो एक्स्ट्रा सोशल मीडिया के लिंक होते हैं जैसे कि बैक जो है, ये अभी के लिए आप लोग समझो कि सोशल मीडिया का लिंक है तो ये यहाँ पे टॉप पे आ गया। उसके अलावा यहाँ पे नेव बार अगर बनानी है तो नेव बार का जो टैग होता है उसके अंदर ही नेव बार को बनाया जाता है ताकि गूगल को पता चल सके कि इस नेव का नेव टैग के अंदर ही नेव बार होगी। एंड बाकी यहाँ पे एक मेन बनाया जाता है, इस मेन के अंदर बेसिकली वेबसाइट का कंटेंट रखा जाता है और उसके नीचे बनाया जाता है फूटर। ठीक है, फूटर के अंदर क्या होता है, फूटर के अंदर वेबसाइट का फूटर होता है एंड जो मेन होता है उसके अंदर होते हैं मुख्तलिफ सेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक हो सकती है साइड बार, ठीक है, एंड उसके अलावा सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, सेक्शन एंड सेक्शन के अंदर का जो भी कंटेंट होगा। अब देखो, सेक्शन के अंदर का जो भी कंटेंट होगा ना वो कंटेंट मुख्तलिफ एलिमेंट्स में डिवाइड हो सकता है एंड उनमें जहाँ पे हमें कोई ऐसा किसी भी कंटेंट को किसी ब्लॉक एलिमेंट में अंदर डालना है तो हम लोग डेव टैग का यूज करते हैं। और यानी कि ये जो सेक्शन वाला जो टैग है ना, इसके अंदर सेक्शन वाले टैग के अंदर हम लोग डेव टैग का यूज करते हैं वहाँ जहाँ हमें किसी कंटेंट को किसी ब्लॉक टैग के अंदर डालना होता है तो हम लोग डेव को प्रेफर करेंगे, हम लोग डेव को यूज करेंगे। एंड किसी जगह पे हमें किसी कंटेंट को इनलाइन टैग के अंदर डालना है तो हम लोग मोस्टली उसे स्पैन के अंदर डालेंगे ताकि हम लोग उसको हैंडल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेक्शन के अंदर अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ एंड आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि ये देखो हेडर के अंदर नेव बार होती है, ठीक है, एंड उसके अलावा मेन मेन के अंदर जो है आपकी साइड बार और सेक्शन होता है और नीचे फूटर होता है। एंड जो सेक्शन होता है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक कंटेंट है जो कि है हेडिंग, ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है यासिन और इसको मैं एक डेव एलिमेंट के अंदर डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डेव लिख दूंगा
एंड इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बट मुझे ये इस यासर के अंदर ये इस वाई के साथ कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे इसको पैन के अंदर डाल दूंगा ताकि इसको मैं मजीद हैंडल कर सकूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, किसी भी एलिमेंट को अगर मैं चाहता हूँ कि ये किसी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होना चाहिए तो मैं डिव का यूज़ कर लूँगा, और अगर मुझे कहीं पे किसी भी टेक्स्ट में बेसिकली स्पैन स्पैन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट हिले जुले नहीं, मतलब जैसा वो है वो वैसा ही रहे, एंड उसमें जो वाइप है मैं कंट्रोल कर सकूँ। अब देखो यासिर बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, अब यहाँ से नहीं पता चल रहा कि ये जो वाई है ये स्पैन के अंदर है, बट ये एक्चुअली में स्पैन के अंदर है। सो यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसका जो कलर है वो मैं कर सकता हूँ ग्रीन। सो अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये जो वाई है इसका कलर हो गया है ग्रीन। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर जो है येलो करके आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोगों को बेहतर नज़र आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे येलो आ रहा है। ओके गाइस, तो आप लोगों को आई होप तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाएगा, बाकी इसका जो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग है वो तो आप लोगों को प्रैक्टिकली जब आप लोग यूज़ कर रहे हो गए चीज़ें तो तभी आप लोगों को समझ में आएगी। अलबत्त आप लोग जो है चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप लोग चैट जीपीटी को बोल सकते हो बाय वी यूज डेव एंड स्पैन एंड वेन वी शोल्ड यूज, एंड मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एंड ये हमें बोलेगा कि डिव एंड स्पैन आर द एचटीएमएल एलिमेंट यूज फॉर ग्रुपिंग एंड स्टाइलिंग कंटेंट। जो डिव है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज टू ग्रुप लार्ज सेक्शन ऑफ कंटेंट, इट क्रिएट अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द कंटेंट। ठीक है, एंड वेन यूज यू नीड टू ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट फॉर लेआउट पर्पज और अप्लाई स्टाइलिंग टू सेक्शन। एंड इनलाइन टैग जो है ये यूज होता है स्टाइल एंड मैनिपुलेट स्मॉल पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट और इनलाइन कंटेंट। ठीक है, इनलाइन कंटेंट को बेसिकली स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल करने के लिए स्पैन टैग का मोस्टली यूज करते हैं, और ब्लॉक लेवल पे या लार्ज लेवल पे जब हम लोगों ने किसी कंटेंट को हैंडल करना होता है तो हम लोग डेव टैग का यूज कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एंड उसके बाद हम लोग ये इतना ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोग आगे जाके इसको यूज़ करोगे तो आप लोगों को खुद बहुत समझ आने लग जाएगी। उसके बाद इसके अंदर एडिशनल फीचर्स के अंदर आ जाता है ये HTML की एंटिटीज और कमेंट, तो मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ, कमेंट को याद करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग अगर वो अगर आप लोग VS कोड यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस करना है और स्लैश प्रेस करना है, तो इससे वो चाहे जो भी लैंग्वेज होगी वो कमेंट हो जाएगा, उसके अंदर जो लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। सो उसके अलावा जो कॉमन एंटिटीज हैं ये बेसिकली क्या हैं, देखो यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से टॉप पे ही देखिए टॉप पे हाँ टॉप पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही कैन नॉट डिस्प्ले HTML इन HTML। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ब्राउजर है उसके अंदर HTML रन हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ विदाउट HTML एंटिटीज। तो यहाँ पे हमें HTML एंटिटीज हेल्प करती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ और उसके अंदर मैं p टैग को ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, कहीं पे भी मुझे p टैग शो नहीं हो रहा है, तो p टैग मैं चाहता हूँ कि शो हो, तो उसके लिए मैं HTML एंटिटीज का यूज़ कर सकता हूँ। आप HTML एंटिटीज जो हैं बहुत सारी होते हैं, फिर में ये है लेस देन का, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं HTML एंटिटी लगा दूँगा लेस देन की। अब ये चीज़ ये टेक्स्ट नहीं शो होगा ब्राउज़र में इसी जगह पे शो होगा ये लेस देन, एंड वो उसी जगह पे वो खुद बखुद ही आ गया है। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे दे सकता हूँ एंड यहाँ पे बोल दूंगा ग्रेटर देन एंड सेव करूँगा। यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग अब डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइस, इसी तरह मुझे अगर अपना HTML का कोड डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करूँगा, तो कोई अच्छे से देखो कहीं अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कोड को डिस्प्ले करवाना होता है तो हम लोग प्री टैग का यूज़ करते हैं एंड उसके अंदर कोड का यूज़ करते हैं, एंड देन अब इसके अंदर मैंने कंप्लीट HTML को जो है मतलब मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं इस वॉयलर टेम्पलेट को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ।
मैं इसको पहले तो कट करूँगा, एंड कट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML टेक्स्ट, HTML कोड कन्वर्ट, बल्कि लिखना हो कन, बल्कि यहाँ पे इसको नहीं कहते हम लोग, चैट जीपीटी को बोल देते हैं ना, चैट जीपीटी है हमारे पास, कन्वर्ट दिस HTML कोड इनटू HTML एंटिटी, ओके। तो ये जो है हमें HTML एंटिटी में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो मैं अब जो है यहाँ पे इस कोड के अंदर जैसे डालूंगा एंड देन सेव करूंगा, और मैं जाऊंगा यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो देखो हमारे पास ये जो वाला टेम्पलेट है ये हम लोगों ने वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करवा ली है, ठीक है। HTML के अंदर हम लोगों ने HTML को डिस्प्ले करवाना सीख लिया है अपने वेब ब्राउजर के अंदर। तो भाई ये है HTML एंटिटीज का कमाल। तो भाई अब आ जाता है कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है मैंने आप लोगों को जो है ट्यूट वन के अंदर, बल्कि मैं आप लोगों को यही से बता देता हूँ ना कि मैंने आप लोगों को HTML के बारे में बता दिया कि HTML क्या है, एंड उसका जो सेटअप है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, एंड उसके अलावा बेसिक टैग्स बता दिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दिया, मेटा टैग्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, ऑटोमेटिक टैग, ये दोनों मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, एंड मल्टीमीडिया टैग भी मैंने आप लोगों को करवा दिए, एंड सॉन्ग भी मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दिए, टेबल्स एंड सिमेंटिक टैग, एंड एडिशनल फीचर में HTML एंटिटीज भी मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखा दी हैं। एंड फर्दर जो लर्निंग है वो भी तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ना ही करो, आप लोग वो करो CSS पे, एंड CSS में आप लोग सीखो, एंड HTML को अगर आप लोग मजीद सीखना चाहते हो तो आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आप लोग जो है W3 स्कूल जो है विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से HTML को एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे भी आप लोग जो है ना HTML को सीख सकते हो डिटेल में, बगैर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कोई भी हेल्पिंग ट्यूटोरियल आप लोग फॉलो करो। देखो HTML आप लोग वक्त के साथ साथ ही सीखोगे, अगर आप लोग किसी कॉलेज में हो या फिर आप लोग 9th 10th में हो तो आप लोग HTML सीख रहे हो, तो जितना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप लोग डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में वो भी, तब भी जो है आप लोगों को इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जंप करो दूसरी टेक्नोलॉजी पे, एंड वहाँ पे आप लोग HTML यूज़ करोगे ही करोगे। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है क्योंकि हर डेवलपर को आती है और हर डेवलपर इसको यूज़ करता ही करता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि HTML से वास्ता पड़ता ही पड़ता है हर डेवलपर का। सो गाइस आगे जाके आप लोग HTML में नई चीज़ें ऑफकोर्स सीखोगे, तो अभी के लिए आप लोगों के लिए HTML इतनी इनफ है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गाइस ये इसका जो सॉफ्टवेयर है जो भी मैंने अभी लिखा है वो सारा का सारा आप लोगों को तो मेरी GitHub की रैपो पे मिल जाएगा, सो आप लोग जो है वहाँ पे चेकआउट कर कीजिएगा, और जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।